टीवी की वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक सुरभि ज्योति नागिन 3 में बेला का किरदार निभाकर घर घर में पॉपुलर हो गई थी। इस शो से सुरभि की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ी थी। शो में उनकी एक्टिंग दिलकश अदाओं के अलावा को स्टार पर्ल वीरपुरी यानी माहिर के साथ उनकी केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी अदाकारी और इमोशन से लोगों का दिल जीतने वाली सुरभि ज्योति कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी? जी हाँ, सुरभि ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो कभी एक्ट्रेस बनने की चाहत नहीं रखती थी, बल्कि लकीली एक तस्वीर ने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल डाली और वो एक्ट्रेस बन गईं। जी हाँ, एक चार शो के दौरान जब सुरभि से ये सवाल पूछा गया कि क्या वो कभी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो इस सवाल के जवाब में सुरभि ने कहा, मैं कॉलेज के दिनों में थिएटर किया करती थी। मुंबई इसलिए आना हुआ क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने मेरी तस्वीर देखी थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस लड़की को मुंबई आना चाहिए। इसी के बाद ही सब बदल गया। साथ ही सुरभि से जब सवाल पूछा गया कि उनकी तस्वीर किसने देखी थी, तो एक्ट्रेस ने डायरेक्टर गुल खान का नाम लिया। सुरभि ने कहा कि गुल खान के पास वो क्षमता है कि वो टैलेंट को पहचान लेती है। सुरभि ने आगे कहा, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरी माँ ने कहा कि ये सब फ्रॉड है, वहाँ मत जाओ। मैंने उस वक्त PhD की परीक्षा जस्ट पास ही किया था, लेकिन फिर मैं बस मुंबई आई और किस्मत बदल गई। आपको बता दें कि गुल खान टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। गुल खान कबूल है, इस प्यार को क्या नाम दूं, अधूरी कहानी हमारी और नजर जैसे तमाम सीरियल्स को डायरेक्ट कर चुकी हैं। और गुल खान ने सुरभि ज्योति की फोटो देखते ही, या यूं कह सकते हैं कि गुल खान की पारखी नजर ने सुरभि के हुनर को पहचान लिया था, जिसके बाद गुल खान ने सुरभि को एक बहुत बड़ा मौका दिया और फेमस सीरियल कबूल है के लिए साइन किया। इसके साथ ही सुरभि ने कबूल है में जोया बनकर टीवी इंडस्ट्री में धमाकेदार डेब्यू किया था। पहले शो से ही सुरभि की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी और कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह एक हीरे की परख जौहरी को होती है, ऐसे ही सुरभि ज्योति की काबिलियत और वर्सटैलिटी को गुल खान ने एक जौहरी की तरह परख लिया था।